हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरर मूवी एक्सप्लेनर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक एनिमेशन एडवेंचर ड्रामा मूवी ब्रेव। ये कहानी एक लाल बालों वाली राजकुमारी की होती है जिसका नाम मेरिडा होता है। मूवी की शुरुआत मेरिडा के बचपन को दिखाते हुए होती है, जहाँ वो अपने माँ बाप के साथ एक जंगल में क्रॉसबो चलाने की प्रैक्टिस करने आई होती है। तभी मेरिडा की फैमिली पर एक भालू अटैक कर देता है और मेरिडा के पिता बीच में आकर बहादुरी से भालू का मुकाबला करते हैं, जिसमें उन्हें अपना एक पैर गंवाना पड़ता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 15 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। और अब मेरिडा बड़ी हो चुकी होती है और उसके 3 छोटे छोटे भाई भी होते हैं। मेरिडा की माँ मेरिडा से बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि मेरिडा अपनी माँ की कोई भी बात नहीं मानती थी। वो सारा दिन जंगल में घूमती और क्रॉसबो चलाती रहती थी। और अब मेरिडा बड़ी भी हो चुकी होती है, इसलिए उसकी माँ उसके स्वयंवर की तैयारी करती है उसकी शादी कराने के लिए। मेरिडा के स्वयंवर के लिए 3 कबीलों के सरदारों को बुलाया जाता है उनके बड़े बेटे के साथ, क्योंकि मेरिडा के परिवार में एक परंपरा होती है जिससे कि मेरिडा की शादी कबीले के बड़े बेटे से ही हो सकती है। वो कबीले वाले चूतिए और लड़ाकू होते हैं और वो साले हमेशा आपस में ही लड़ते रहते थे। उधर मेरिडा की माँ मेरिडा को तैयार कर स्वयंवर में लेके आती है और वहाँ आकर वो देखती है कि वो 3 कबीलों के सरदार आपस में लड़ रहे होते हैं कि मेरिडा की शादी किससे होगी। तभी मेरिडा की माँ बीच में आकर उन लोगों को रोकती है और उन्हें बताती है कि मेरिडा की शादी उसी से होगी जो मेरिडा के बताए हुए खेल में विजयी होगा। जहाँ हम देखते हैं कि मेरिडा क्रॉसबो चलाने में माहिर होती है, इसलिए वो चालाकी से क्रॉसबो का ही खेल चुनती है। फिर वो राजकुमार एक एक करके निशाना लगाना शुरू करते हैं, लेकिन मेरिडा को तो किसी से शादी करनी ही नहीं थी, इसलिए वो खेल के बीच में आकर उन 3 राजकुमारों को क्रॉसबो चैलेंज में हरा देती है। ये सब देखकर मेरिडा की माँ को बहुत गुस्सा आता है और मेरिडा और उसकी माँ में बहस होने लगती है। तभी मेरिडा गुस्से में आकर अपने परिवार की तस्वीर, जो कि उसकी माँ ने बनाई होती है, उसे अपनी तलवार से फाड़कर अपना घोड़ा लेकर जंगल में भाग जाती है। जंगल में चलते चलते मेरिडा को एक जादुई जुगनू दिखाई देता है और वो उसका पीछा करने लगती है, और उसका पीछा करते करते वो एक जादूगरनी के पास पहुंचती है। और जादूगरनी के पास पहुंचकर मेरिडा जादूगरनी से पूछती है कि क्या तुम मेरी माँ को बदल सकती हो। ये सुनकर जादूगरनी अपने जादू के बदले मेरिडा से उसके गले का लॉकेट मांगती है, जिससे खुशी खुशी मेरिडा जादूगरनी को अपना लॉकेट दे देती है, क्योंकि मेरिडा को तो अपनी माँ को बदलना होता है। लेकिन मेरिडा जादूगरनी को ये बताना भूल जाती है कि उसे अपनी माँ की सोच बदलनी है, अपनी माँ को नहीं। फिर जादूगरनी अपने जादू से एक मिठाई बनाती है और मेरिडा को देती है, लेकिन मेरिडा को उस जादू का तोड़ बताना भूल जाती है, और तब तक मेरिडा वो मिठाई लेकर अपने महल की तरफ निकल चुकी होती है। फिर मेरिडा जल्दी से अपने महल पहुंचती है और अपनी माँ से मिलती है और उसको बातों ही बातों में एक मिठाई का टुकड़ा खिला देती है। मिठाई का टुकड़ा खाकर उसकी माँ को कुछ अजीब सा लगता है और कुछ ही देर बाद वो जादू के असर से एक भालू में बदल जाती है। अपनी माँ को भालू के रूप में देखकर मेरिडा बहुत डर जाती है, और जब उसकी माँ खुद को आईने में देखती है तो वो भी बहुत डर जाती है। दूसरी तरफ मेरिडा के पिता कबीले के सरदारों के साथ मस्ती कर रहे थे और वो तभी एक भालू की बात सुनते हैं तो वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। सालों पहले भालू से हुई लड़ाई में अपना पैर गंवाने के कारण वो भालुओं से बहुत नफरत किया करते थे, और ये बात मेरिडा भी बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए वो अपने 3 भाइयों की मदद से अपनी माँ को लेकर जंगल की तरफ निकल जाती है। और दूसरी तरफ मेरिडा के 3 भाई महल में बची उस मिठाई के टुकड़े को खा लेते हैं और कुछ देर बाद वो भी छोटे छोटे भालुओं में बदल जाते हैं। इधर मेरिडा जंगल में अपनी माँ के साथ मिलकर उस जादूगरनी का घर ढूंढ रही होती है, और बहुत ढूंढते ढूंढते आखिर उनको जादूगरनी का घर मिल जाता है। लेकिन मेरिडा की किस्मत बहुत ख़राब होती है, क्योंकि वो जादूगरनी मेरिडा को घर पर नहीं मिलती, और ये देखकर मेरिडा को अपनी माँ के लिए बहुत चिंता होने लगती है, क्योंकि 2 दिन के अंदर अगर उस जादू का असर ख़त्म नहीं किया गया तो मेरिडा की माँ हमेशा भालू बनकर रह जाएगी और पिछली सारी यादें भी भूल जाएगी। और गाइज, उस जादू का असर तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि मेरिडा और उसकी माँ की बॉन्डिंग अच्छी ना हो जाए, और मेरिडा जब तक उस तस्वीर को ना सिल दे जो उसने अपने माँ से लड़ते टाइम अपनी तलवार से फाड़ी थी। इधर मेरिडा और उसकी माँ जब जंगल में घूम रहे होते हैं, तभी उन्हें फिर से वही जादुई जुगनू दिखाई देता है, और जादुई जुगनू का पीछा करते करते मेरिडा और उसकी माँ एक गुफा के पास पहुँचते हैं,
जहां पर उन्हें वही भालू मिलता है जिसने 15 साल पहले मैडा और उसके परिवार पर हमला किया था। और देखते ही देखते वो भालू मैडा और उसकी माँ पर हमला कर देता है। तभी मैडा की माँ मैडा को लेकर वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते मैडा को जादू करने की भूली हुई बातों का मतलब समझ में आ जाता है। और वो अपनी माँ को बताती है कि माँ, इस जादू का असर तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक मैं वो फटी हुई तस्वीर ना सिल दूँ। और फिर मैडा और उसकी माँ अपने महल की तरफ जाने लगते हैं। और इसी के साथ हम मैडा और उसकी माँ की बॉन्डिंग अच्छी होती हुई देखते हैं। और वो दोनों जब अपने महल पहुँचती हैं तो देखती हैं कि वो तीनों सरदार आपस में लड़ रहे होते हैं। और उनकी लड़ाई का फ़ायदा उठाकर मैडा और उसकी माँ महल में घुस जाते हैं। महल में पहुँचते ही मैडा उस तस्वीर को सिलने लगती है, लेकिन तभी उसके पिता बीच में आ जाते हैं और वहाँ उस भालू को देखकर उस पर हमला कर देते हैं। और मैडा के बार बार बोलने पर भी कि ये मेरी माँ है, तब भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करते। और उन दोनों की लड़ाई में मैडा जख्मी हो जाती है। ये सब देखकर उसकी माँ को बहुत बुरा लगता है और वो फिर से वापस जंगल में भाग जाती है। इधर मैडा के पिता मैडा को एक कमरे में बंद कर देते हैं और उसकी माँ को मारने के लिए कबीलों के सरदारों के साथ मिलकर जंगल में निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ मैडा अपने तीनों भाई जो भालू बन चुके होते हैं उनकी मदद से कमरे से बाहर निकल आती है और जल्दी से उस फटी हुई तस्वीर को भी सिल लेती है और अपने तीनों भाइयों को एक घोड़े पर बिठाकर अपने माँ बाप को ढूंढने जंगल में निकल जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैडा के पिता तीनों कबीलों वालों के साथ मिलकर जंगल में उसकी माँ को पकड़ लेते हैं और मारने वाले होते हैं। तभी मैडा वहाँ पर पहुँच जाती है और अपनी माँ को बचा लेती है और उन्हें बताती है कि ये भालू और कोई नहीं बल्कि मेरी माँ है। तभी उन सब पर वो गुफा वाला भालू अटैक कर देता है और मैडा की माँ और उस भालू के बीच कांड-फांड लड़ाई शुरू हो जाती है और वो भालू मैडा की माँ को जख्मी कर देता है। लेकिन जैसे तैसे मैडा की माँ उस भालू को मार देती है। तब हमें दिखाया जाता है कि उस गुफा वाले भालू को भी भालू उस जादूगरनी ने ही बनाया होता है। इधर वो दो दिन का वक्त भी ख़त्म होने वाला होता है। तभी जल्दी से मैडा अपनी माँ के ऊपर वो सिली हुई तस्वीर डाल देती है जिससे कि उसकी माँ फिर से एक इंसान बन जाती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइज, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं। तो मिलते हैं एक और गांडफाड़ वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।